शो सैनिकों ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के विरोध में बीसीसीआई का मध्य प्रदेश के सागर के सिविल चौराहा पर पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। इसके पूर्व शिव सैनिकों ने कालीचरण चौराहे से बांग्लादेश के खिलाफ रैली निकाली, जो पुतला दहन में तब्दील हुई, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ शिव सैनिकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ज्ञात है कि 6 अक्टूबर को प्रदेश के ग्वालियर में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम T20 मैच खेलने आ रही है, जिसका शिवसेना संगठन प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रहा है। शिवसेना उपराज्य प्रमुख पप्पू तिवारी ने कहा कि जिस बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं की हत्या कर उनके घर जलाए, सभी हिंदू मंदिरों को तोड़कर हिंदू आस्था को आघात पहुंचाया, उस देश की क्रिकेट टीम का प्रदेश सरकार रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यदुवंशी होकर भी यह भूल गए कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने जन्माष्टमी के दिन बड़ी संख्या में राधा कृष्ण जी के मंदिर तोड़े थे। शिवसेना जिला प्रभारी विकास यादव ने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा हिंदुओं की सरकार कही जाती है, लेकिन हिंदुओं का नरसंहार करने वाली बांग्लादेश क्रिकेट टीम को गले लगाकर हिंदू हितों की अनदेखी कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश और भारत का मैच रद्द नहीं किया जाता है तो शिव सैनिकों ने जिस तरह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच खोद दी थी, उसी तरह से ग्वालियर के माधवराज सिंधिया स्टेडियम में इतिहास दोहरा देंगे। बांग्लादेश ने हिंदुओं के घरों में आग लगाई, हिंदुओं के मंदिर तोड़े, हजारों हिंदुओं की हत्या की। उसकी क्रिकेट टीम 6 अक्टूबर को माधवराव सिंधिया स्टेडियम ग्वालियर में आ रही है, जिसका मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हाथ पांव जोड़ते हुए स्वागत करने के लिए आतुर है। इसका आज शिवसैनिकों ने पुरजोर विरोध किया है, BCCI का पुतला दहन किया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी पर 73 मंदिरों को बांग्लादेश में राधा कृष्ण जी के मंदिर को तोड़ा गया है, आप बांग्लादेश की टीम को मध्य प्रदेश की सरजमी पर ना आने दें। यह हम लोगों ने मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम पर थाना प्रभारी सिविल लाइन को सौंपा है और शिवसैनिकों ने चेतावनी दी है कि हम वही शिवसैनिक हैं जिन्होंने बांधखेड़े स्टेडियम में आग लगा दी थी, हम वही शिवसैनिक हैं जिन्होंने कोटला की पिच को खोद डाला था। अगर हिंदू हितों पर इसी तरह कुटाराघात किया गया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर की सरजमी पर भी हम शिवसैनिक पीछे नहीं हटेंगे। यह हमारी चेतावनी पुतला दहन था जो आज सागर के सिविल लाइन चौराहे पर शिवसैनिकों ने शिवसेना जिला प्रभारी विकास यादव के नेतृत्व में किया है और आज शिवसैनिक संकल्पित है कि जब तक बांग्लादेश की टीम भारत से नहीं जाती है, शिवसैनिकों का आंदोलन जारी रहेगा।